मेरा दोस्त महाराजा का कॉलेज है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? एंड वापस से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो आज मेरा फर्स्ट डे कॉलेज है। बहुत सारा लोग 1 वीक्स 2 वीक्स ऐसा कुछ जा चुका है वो लोग, लेकिन मेरा आज पहला कॉलेज है। इससे पहले हम ड्रेस कर लेती है कॉलेज जाने के लिए। सो मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, कैसा लगा? ये रहा हमारा कॉलेज का ड्रेस। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि बहुत देर के बाद, मतलब बहुत दिन के बाद पहनने को मिल रहा है स्कूल ड्रेस वापस से। अच्छा भी फील हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अनकम्फर्टेबल भी हो रहा है क्योंकि कलर अच्छा नहीं लगता है मुझे, येलो कलर का। वैसे तो मैं ज़्यादातर काला या ब्लू, काला ब्लैक कलर, ब्लू कलर ऐसा कुछ शर्ट वगैरह खरीदा करता था। येलो तो मेरे पास एक भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन पहनते पहनते एडजस्ट हो जाएगा वो सब। सो ये रहा हमारा शर्ट, पेन को स्टिच करते हुए ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। सो ये और लॉन्ग पेन से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, फॉर्मल लॉन्ग पेन से। नोटबुक भी नहीं है, पेन भी नहीं है, सब नया खरीदा पड़ेगा अभी। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ हाँ फिर से, क्योंकि मेरा आँखें दर्द हो गया था। मैं और मेरा दोस्त रहने के लिए ढूंढ रहा था, और उसका थोड़ा सा आँखें लाल लाल है, और उसके साथ रह के बातचीत करके मुझे भी लग गया उसका आँखें का दर्द जो है, मुझे भी हो गया ऐसा। सो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इसीलिए। एंड थैंक्स फॉर द सब्सक्राइब। अभी हम 175 सब्सक्राइबर हो चुका है। सो थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड हाँ, शायद और ग्रो कर सकता है हम। सो हो सके तो तुम लोगों की दोस्त के साथ शेयर करो, बने रहे मेरा जर्नी में मेरा साथ। सो गाइस, 2-3 मिनट के बाद हम फाइनली पहुंच गया है मेन रोड, और हम दुकान के बहुत नज़दीक है। यहाँ से हम राइटिंग पेन, नोटबुक खरीदेगा। हाँ, मुझे ATM से पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि रेंट जो हमने लिया है वो एडवांस देना पड़ेगा पैसा। सो उसके लिए पैसा निकलेगा और रेंट के ओनर को जाके देगा, एंड आप लोगों को भी दिखाएगा हमारा रेंट कैसा दिखता है, अगर हो सके तो दिखाएगा। सो ये रहा दुकान, और यहाँ से हम नोटबुक और राइटिंग पेन खरीदेगा। सो हम नोटबुक खाता त्रिपुरा इंडस्ट्री, त्रिपुरा का सबसे बड़ा इंडस्ट्री ये है। यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ का फैक्ट्री है। यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं त्रिपुरा को।
गाइस गाड़ी कार स्टॉप कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पैसा निकल के जाना पड़ेगा। क्यों विद्रोह नहीं कर सकता तो समझ में नहीं आ रहा है। दो बार ट्राई करने के बाद भी विद्रोह नहीं कर पाया। क्या हुआ रे? तो 10 मिनट के बाद फाइनली हमने पहुंच गया है कॉलेज के नज़दीक। जैसे लगभग 10 रुपीस लगेगा और मैंने पूछा एक दो ड्राइवर को और हमें लूटना चाहता है और एक्स्ट्रा कार फेयर मांग रहा है, जैसे कि मुझे नहीं पता है इन लोगों ने मांगा जैसे ऐसे कुछ 50-40 ऐसा, लेकिन मुझे भी पता है ना कितना है कार फेयर, तो इसलिए मैंने नहीं उठा। तो अगले रिक्शा को वेट करना पड़ेगा और मिलती है आप सबको कॉलेज में। तो गाइस थोड़ी देर जाने के बाद हम पहुंच गया है BBMC जो कि बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है। ये तो बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज है, लेकिन हम जा रहे हैं टुवर्ड्स MBB महाराजा बीर विक्रम कॉलेज। ये तो उसका महाराजा का मेमोरियल कॉलेज है और हम जा रहे हैं महाराजा की कॉलेज में, उसका मेमोरियल के कॉलेज में नहीं है, हम जा रहे हैं उसका सीधा कॉलेज में। थोड़ा सा दूर है, 100 स्टेप्स या 50-60 स्टेप्स ऐसा कुछ लगेगा हमारे कॉलेज, मेरे कॉलेज पहुंचने के लिए। हमारा नहीं है क्योंकि तुम लोग कॉलेज में नहीं है। तो गुड मॉर्निंग अंकल, बहुत नज़दीक है MBB और BBMC। आज तो दोस्त भी नहीं है मेरा क्योंकि सब लोग घर गया है, कुछ काम है उन लोगों का, कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा अकेला ही। बहुत बोर्ड है घर, आज पहला कॉलेज है, मतलब पहला दिन है कॉलेज मेरे लिए और अकेला बोर्ड हो गए। ये येलो कलर का स्कूल ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन पहनते हमें हो जाएगा कंफर्टेबल, सो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गया कॉलेज में और अभी जाएगा क्लासरूम के अंदर। हाँ, आप लोगों को दिखाएगा क्लासरूम देखने में कैसा है और कंपाउंड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। MBB का कॉलेज ये बीर विक्रम, महाराजा बीर विक्रम कॉलेज, एस्टेब्लिश्ड इन 1947। त्रिपुरा का महाराजा का कॉलेज है ये, मेरा दोस्त महाराजा का कॉलेज है। सो हमारे कॉलेज तो इस तरफ है,
जंगल के अंदर घुसना पड़ेगा। हाँ शायद इस तरफ फ्रेशर्स के लिए है और इस तरफ शायद थर्ड ईयर सेकेंड ईयर उन लोगों के लिए है। सो हम तो फ्रेशर्स है ना, तो हमको जंगल में रख दिया खामोखाम। क्लासरूम घुसने के लिए एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि गांव है रे। सो हम तुम लोगों को देखा है सीधा हमारे क्लासरूम। हाँ अरे भूल गया रे। नीचे पाताल में है हमारा क्लासरूम। लोग नहीं है रे आज, कोई लोग तो बोल रहा है कि आज फ्रेशर का प्रोग्राम है और कोई लोग बोल रहा है कि आज क्लास है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा। ओह मुझे तो पता नहीं है क्या है हमारा क्लासरूम और शायद अभी भी बंद है क्योंकि सोशियोलॉजी का ऑनर जो लेता है ना बहुत कम लोग लेता है, इसलिए 206 यही है क्या, पता नहीं 206 यही है या कौन सा है। वाओ ये है क्या हमारे क्लासरूम हमें कॉलेज का भी। अरे लोग ही नहीं आ रहे अभी तक। ये है हाँ यही है शायद, कोई भी नहीं है अभी। 10 नहीं बज रहा है ना अभी तक, तो कोई भी नहीं आया है। हम थोड़ा सा फास्ट आ चुका है क्योंकि हमें व्लॉग बनाना है ना, तो आप लोग दिखाएगा लोग जब आएगा कितना लोग है और कितना लोग आया है। समय समय में अकेला अकेला बात करने में पागल जैसा दिखता है हाँ लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा ब्लॉग तो। आप लोगों को फुल व्यू दिखाएगा। यहाँ पे हमारा मास्टर जी बैठेगा और इधर हम बैठेगा, तो थोड़ा सा मास्टर बन के दिखाता हुआ तुम लोगों को। मास्टर जी हम स्टूडेंट नहीं है, जब टीचर के बेंच चेयर में बैठता है ना तो टीचर की फीलिंग जैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा फील होता है। ए यू स्टैंड अप। ओ माय ये तो लड़की के लिए मेकअप करने के लिए बहुत अच्छा है, डायरेक्ट तू तेरा फेस पूरा वाइट हो जाएगा हाँ। या फिर करके लगा दो डायरेक्ट तू बहुत सुंदर दिखाई देगा। और चौक भी नहीं है, अगर मैं मास्टर होता ना कॉलेज एक दिन ऐसा बोलेगा हे यू अप डाउन 100 बार करो ऐसा बोलेगा हाँ। गजब बेइज्जती है। पहले तो ऐसा आएगा बैग में, बैग खुलेगा और पानी निकलेगा, थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पानी निकलेगा या पे रख देगा और सबको नाम पूछेगा, सबको नाम पूछेगा एक एक करके और उसके बाद क्या बोलेगा हाँ, उसके बाद उन लोगों को सब बेंच के ऊपर खड़े होने का देगा और पहले क्लास में पनिशमेंट देगा हाँ। एंड हाँ वीडियो आज के लिए इतना ही देखने को मिलेगा, हो सके तो वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती है सबको अगले वीडियो में। बाय बाय, सुपर केयर एंड टेक केयर एंड सुपर फैन। बाय बाय।